आज मैं आपके लिए सिंपल और सुपर टेस्टी कम मेहनत में सिर्फ 10 मिनट में बिना ऑयल के हेल्दी तरीका से कैसे पुलाव को बना सकते हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुलाव बनाने के लिए बासमती राइस 2 कप ले रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का राइस ले सकते हैं। बस राइस लेते टाइम इस बात की ध्यान रखें कि राइस जो आपकी है वो पक्की होनी चाहिए, नहीं तो चावल आपका टूट सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 कप राइस को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे साफ पानी से। इस तरह से जो धुंधला पानी है उसको हम फेंक देंगे। फिर से हम इसमें पानी डाल देंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको भिगोने के लिए हम छोड़ देंगे। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, राइस को भिगो के रखी है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सब्जी को इस तरह से छोटे छोटे साइज में मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। अब रेसिपी बनाते टाइम मैं आपको शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिए है, बर्तन को अच्छे से गर्म कर लिया है। आंच को रखेंगे एकदम से लो फ्लेम पर। यहाँ पे मैंने तेजपत्ता, हरी मिर्च, जीरा, दालचीनी और सूखी मिर्च का यूज़ किया है। इसको हम डाल देंगे, साथ में डालेंगे 7 से 8 काली मिर्च और इसको बस 1 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर इस तरह से चला लेनी है जब तक जीरा हमारा जो है आवाज़ ना करने लगे, है ना। जब जीरा नाचने लगेगा तब हम क्या करेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज को इसमें डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद इस तरह से लो फ्लेम पर ही हमें चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज में थोड़ा थोड़ा करके कलर चेंज हो जाएगा। प्याज में जैसे ही ब्राउन कलर आने लगेगा तब हम इसमें टमाटर को भी डाल दूंगी। टमाटर का आप चाहे तो प्यूरी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस तरह से बारीकी से कट करके इसमें डाल दिया है। 2 टमाटर का मैंने यूज़ किया है। तो जैसे 1-2 मिनट तक इसको भी चला लेंगे तो थोड़ा सा ये गलने लग जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सब्जी को हमने लिया है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर गाजर, फूल गोभी, आलू, बीन्स और ग्रीन पीस का यूज़ किया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा और धनिया की पाउडर और ये सारी चीज़ को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने पुलाव की रेसिपी शेयर करी हूँ, आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ को मिलाने के बाद जो चावल को हमने भिगो के रखी थी उसको हम डाल देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना मैंने चावल लिया था ना उसकी डबल हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे 1 कप अगर आप चावल का यूज़ करते हैं तो 2 कप आपको पानी इसमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना मैंने चावल लिया था उसका डबल मैंने पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो 2 कप मैंने लगभग चावल यूज़ किया था तो यहाँ पर 4 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। पुलाव में अच्छे खुशबू आने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 टेबल स्पून के जैसे पुलाव की जो मसाला आता है ना मार्केट में मिलता है वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद लगभग 7 से 8 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब हम पुलाव को चेक कर लेंगे तो देखिए कितनी खिली खिली पुलाव जो है हमारा तैयार हो चुका है। कितनी आसान रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है और यकीन मानिए फ्रेंड्स बिना ऑयल का भी इतनी टेस्टी पुलाव शायद आज तक आपने ना बनाए होंगे ना ही खाए होंगे। आज की ये रेसिपी मैंने एमवी क्वीन बर्तन में बनाया है। आप कोई भी बर्तन की यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है आपको लो फ्लेम पर ये सारे कुकिंग प्रोसेस को करनी है तो आपकी पुलाव जो है कम मेहनत में सुपर टेस्टी बनेगा। सिर्फ 10 मिनट में इसको आप तैयार कर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।